अलविदा मेरे हुसैन, अलविदा शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुसैन सफ़र में। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज छठा वर्क उल्टेंगे। इससे कबल इमाम अली मकाम सैदना इमाम हुसैन कर्बला की ज़मीन पर पहुँच चुके हैं, कर्बला के जंगल में पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्होंने फरमाया और जेब से कुछ मिट्टी निकाल कर कर्बला की मिट्टी और जेब की मिट्टी मिलाई और फरमाया कि यहीं हमारे खून गिराए जाएंगे, यहीं हमारी राशों को पामाल किया जाएगा, यहीं शहजादे कासिम के बर्छी मारी जाएगी और यहीं हम सब की लाशों को पामाल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब इब्ने ज़ियाद को इमाम अली मकाम के कर्बला दाखिले की इत्तला मिली तो उसने उन्हें एक ख़त लिखा कि मुझे इत्तला मिली है कि आप कर्बला में पड़ाव डाले हुए हैं और अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझको लिखा है कि मैं आपको खुदावंद लतीफ़ से मुल्हिक किए बग़ैर आराम से खाऊं और ना ही आराम से सोऊं, या तो आप कत्ल हो जाएं या यजीद बिन मुआविया के हाथों तस्लीम हो जाएं। वस्सलाम। इमाम हुसैन ने ख़त पढ़कर फेंक दिया और फरमाया कि वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जो खालिक को गज़बनाक करके मखलूक को खुशी करते हैं। आपने इब्ने ज़ियाद के कासिद से कहा कि इस बेहुदा ख़त का जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि उबैदुल्ला के लिए अल्लाह का अजाब लाजम और साबित है। कासिद उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास गया और इमाम हुसैन का जवाब सुनाया। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने जवाब सुनकर अमरे साद की तरफ देखा और उसे इमाम हुसैन से जंग का हुक्म दिया। अमरे साद को रे यानी तेहरान की हुकूमत का लालच दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त का रे आज का तेहरान कहलाता है। वहाँ कर्बला में इमाम हुसैन के आंसू जारी हो गए और अपने बेटे भाइयों और दीगर अहले बैत को बुलाया, सबको अपने सामने बिठाया, उनके चेहरों को रोती आंखों से देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, हम तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्रत हैं। इन लोगों ने हमें अपने घरों से निकाल दिया है, हमें अपने जद अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा के हरम से जुदा कर दिया है और बनी उमैया हमें कत्ल और कैद करने में कोई कसर नहीं उठा रहे। मेरे अल्लाह, जालिमों से हमारा इंतकाम ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम बीबियों को हौसला और तसल्ली दे रहे थे कि सब्र करो मेरी बहनों, कज़ाए इलाही पर राज़ी रहना, रज़ाए इलाही पर राज़ी रहना, क्योंकि ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं और एक दिन हर शख्स को मौत का जायका चखना ही है, हर चीज़ फ़ानी है। ऐ मेरी बहनों, नाना बाबा माँ भाई जो मुझसे बेहतर थे सब चले गए और अपनी कब्रों में मदफून हैं। ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ ज़ैनब, जब मुझे कत्ल किया जाए तो गुरेबान चाक न करना और ऐसा कलमा न कहना कि जिससे अल्लाह की रज़ा न हो। वहाँ अमरे साद को लालच दिया जा रहा था कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कि पिसरे साद, मैं तुम्हें रे और उसकी मुजाफात की सारी जागीर दे दूंगा। रे तेहरान को कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुसैन को कत्ल करने के लिए रवाना हो जाओ। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अमरे साद कोई भी हुसैन से जंग करने को पसंद नहीं करता, ये काम तुम्हारा ही है और तुम्हें ही करना होगा, और अगर हमें तो हुसैन की तरफ से फारिग कर दे तो रह की हुकूमत तुझको मिल जाएगी। मेरे साथ ने कहा कि आज की शब मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं सोच कर फैसला करूं। मेरे साथ घर गया, दोस्तों और रिश्तेदारों से मशवरा लिया, मगर किसी ने भी इमाम हुसैन को कत्ल करने का मशवरा न दिया, बल्कि सब ने इस मामले में उसे खौफ खुदा और खौफ रसूल दिलाया।
दूसरे दिन सुबह जब इब्ने ज़ियाद के पास आया तो इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि ए अमर क्या सोचा है। अमर ज़ियाद खामोश हो गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर इमाम हुसैन के साथ जंग के लिए नहीं जाते हो और मेरे हुक्म की तामील नहीं करते हो तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ कि हम तेरी गर्दन उड़ाएं और तेरा घर लूट लें। अमर ज़ियाद ने कहा कि जब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है तो अब वही करूँगा जो अमीर कहेगा। इब्ने ज़ियाद ने उसकी तारीफ की, इनाम दिया और 4000 का लश्कर देकर विलायत देने का वादा किया और वो लश्कर लेकर इमाम से जंग के लिए करबला पहुंच गया। नाज़िर मुख्तर, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को फरात से दूर करके एक घूंट भी पानी नहीं देना। अमर बिन साद ने कहा कि हाँ ऐसा ही करूँगा। इमाम अली मकाम ने अपने खेमों के इर्द गिर्द जगह को अहले नैनवा और अहले नमाजरिया से यानी अहले नैनवा और अहले गाजरिया से 60,000 दिरहम में ख़रीद लिया था और उनको इस शर्त पर अतिया कर दी कि वो हमारी शहादत के बाद हमारी ज्यारत के लिए आने वालों को 3 दिन के लिए मेहमान रखेंगे। जब हमारे इमाम अली मकाम करबला में वारिद हुए तो सैयदा ज़ैनब आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगीं कि प्यारे भैया, ये वादी बहुत दहशतनाक, दर्दनाक और हौलनाक है। जिस वक्त से हम यहाँ पर उतरे हैं मेरे दिल पर दहशत का बोझ ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। इमाम ने फरमाया कि बहन, बाबा के ज़माने में जब हम बाबा और भाई के साथ सफीन जा रहे थे और ऐसी ज़मीन से गुजर हुआ तो हम उतरे हुए आराम करना चाहा। बाबा का सर भैया की गोद में था। आप कुछ देर सोए, मैं बाबा के सर के करीब बैठा और कि अचानक नींद से जागे और सख्त क्रिया करने लगे। भाई ने क्रिया की वजह पूछी तो बाबा ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि इस वादी में खून का दरिया है और मेरा बेटा हुसैन इसी खून दरिया में गोते खा रहा है और कोई भी इसकी मदद को नहीं आ रहा। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा और फरमाया कि ए हुसैन, इस होलनाक वाक़े के वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी और क्या करोगे। मैंने अर्ज़ की, मैं सब्र करूँगा बाबा जान और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहूँगा। ऐ मेरी प्यारी बहना, नाना चले गए, अम्मा ज़ाहरा ज़ख्मी पहलू से रुखसत हुई, बाबा अली ज़ख्मी पेशानी लेकर इस दुनिया से कूच कर गए, भैया हसन जहर से शहीद हुए, जिस तरह तुमने पहले सब्र किया अब भी सब्र कर लेना। इब्ने ज़ियाद ने 10 सरदारों के नाम मुरत्तिब किए और इन्हें करबला में इब्ने ज़ियाद के 10 सरदारों के नाम मुरत्तिब देकर भेज दिया और फरजंद रसूल से जंग के लिए भेजते रहे। पहला अलम अमर बिन साद का था, 4000 सवार देकर करबला की तरफ रवाना किया। दूसरा अलम अरवा बिन कैस का था, जिसका लश्कर 2000 सवार का था। तीसरा अलम सन्नान बिन अनस का था, जिसका लश्कर 4000 सवार पर मुश्तमिल था। जो चौथा लश्कर था वो 4000 सवार का था। पाँचवा अलम खूबी यानी खोली को दिया गया था, जिसके साथ 3000 मुसल्ला अफराद थे। छठे अलम में 3000 अफराद थे। सातवें अलम हुसैन बिन तमीम गद्दार का था, जिसके पास 8000 अफराद थे। आठवां अलम 9000 और 60000 का लश्कर 10वें अलम को दिया गया, जो शेस बिन रबी पलीत को दिया गया था और उसे 10000 के लश्कर का सरदार बनाया गया। नाज़िर मुख्तर, ये लश्कर 3 मुहर्रम से करबला में आना शुरू हो गए थे और 10 मुहर्रम के असर तक करबला आते रहे। अब करबला में ज़र्रा बराबर जगह भी खाली न थी और लश्करों ने तमाम बियाबान को पुर कर दिया था। हुर के लश्कर को शामिल करके कुल तादाद 54,000 की हो गई थी नाज़िर मुख्तर, यानी 54,000। अब अमर बिन साद 2 मुहर्रम को 4000 और 600 अफराद के साथ करबला वारिद हुआ और फरात के करीब अपने खेमे नस्ब कर लिए। हुर वहाँ पहले ही से मौजूद था। हुर सोचने लगा कि इब्ने ज़ियाद को भेजा हुआ मेरे साथ और इसके सिपाही इमाम पर ज़िंदगी तंग कर देगा और इसका सबब मैं बता चुका हूँ। अपने किए पर हुर शर्मिंदा हुए और दिल ही दिल में खुद को मलामत करते रहे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इमाम को जुल्म के किस तूफ़ान में फेंक दिया। इब्ने साद ने हुज़ैमा नामी एक शख्स को बुलाया और कहा कि इमाम के पास जाकर बड़े अदब से ये पूछो कि इस तरफ क्यों आए हो। ये हुज़ैमा अंदर से अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नेक शख्स था, लेकिन किसी को दिल का राज नहीं बताता था। चुनाचे बड़े सुकून, इत्मीनान और शाइस्तगी से इमाम के ख़याम की तरफ गया। इमाम हुसैन ने असहाब से पूछा कि ये कौन है। अर्ज़ किया गया, इमाम ये बहुत नेक किरदार है। आपने फरमाया कि इससे पूछो कि क्या कहना चाहता है।
हुज़ैमा इजाज़त मिलने के बाद ख़याम हुसैन के अंदर दाखिल हो गया। जो ही इसकी नज़र इमाम अली मकाम पर पड़ी तो इसके कदमों में गिर गया और आपके कदम चूमने के बाद अर्ज़ करने लगा, ए आका अलैहिस्सलाम, मुझे इब्ने साद ने भेजा है। वो मलून कहता है कि आप इस तरफ किस मकसद के लिए आए हैं। आपने फरमाया, तुम्हें खतूत मुझे तुम्हारे यानी तुम्हारे खतूत मुझे वतन से बेवतन कर चुके हैं। मैं अपना वतन तुम्हारे खतूत की वजह से छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारे दियार में लाए हैं। तुम जाओ और उससे पूछो कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन हुज़ैमा बजाय वापस जाने के इमाम के कारवान में शामिल हो गए। नाज़िर मोहतरम, अमर बिन साद को जब ये मालूम हुआ कि हुज़ैमा इमाम मक्का यानी इमाम अली मकाम के कारवां में शामिल हो गया है तो इब्ने साद को गुस्सा आया और उसने कुरा बिन खजली को बुलाया और कहा कि हुसैन के पास जाओ और पूछो कि इस तरफ आने का मकसद क्या है। कुरा बिन कैस इमाम के पास आया, सलाम के बाद इसने अमर साद का पैगाम इमाम को दिया और इमाम ने जवाब दिया कि इब्ने साद से जाकर कह दो कि तुम्हारे खतूत और वफूत मुझे यहाँ लाए हैं और अगर फिर भी तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं तो मैं तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं करबला छोड़कर चला जाऊँगा, मैं वापस चला जाऊँगा। कुरा बिन साद ने जाकर इब्ने साद को जाकर ये जब पैगाम दिया तो उसने कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह मुझे इमाम से जंग करने से महफूज रखेगा। चुनाचे उसने इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, मैंने करबला पहुँचते ही किसी को इमाम के पास भेजा कि उनके यहाँ आने का मकसद बयान करूँ तो उन्होंने फरमाया कि कूफा के लोगों ने मुझे खतूत लिखकर दावत दी और मैंने उनकी दावत को कबूल किया और कूफा आ गया और उन्होंने ये भी फरमाया कि अगर कूफा वालों को मेरा आना पसंद नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं वापस चला जाता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने खत पढ़ा और कह कहा लगाया और कहने लगा कि अब चैन, अब हुसैन के पास और कोई रास्ता नहीं तो फरार होना चाहता है और अब हम उसको कतन नहीं छोड़ेंगे। और फिर इब्ने साद के ख़त के जवाब को छू लिखा कि मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा तो हालात का पता चल गया, तुम हुसैन पर गिरफ्त मजबूत कर दो और तंग करो, जब तक यजीद की बैत न कर लें उन्हें न छोड़ो और अगर इमाम हुसैन और उनके तमाम असहाब यजीद की बैत कर लें तो फिर हम सोचेंगे कि उनके साथ करना क्या है। वस्सलामु अलैकुम, वो सोच चुके थे कि हर हाल में हुसैन को कत्ल ही करना है। 3 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद ने किसी को इमाम के पास भेजा और फिर रात की तारीकी में फुरात के किनारे मिलने की इजाज़त तलब की। इमाम अली मकाम ने 2 असहाब अपने साथ दिए और तय्यन शुदा वक्त और जगह पर रात की तारीकी में तशरीफ ले गए। जूँ ही फुरात के किनारे पहुँचे अमरे साथ दौड़ कर आया और इमाम के कदमों में गिर पड़ा और काफ़ी देर तक कदम बोसी करता रहा और खुशबू महसूस करता रहा। अमरे साथ ने इमाम को एक दरी पर बिठाया और दोजानों होकर इमाम के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद अर्ज़ करने लगा कि सिफ़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान बरकरार रहे, आपकी शान बरकरार है। इमाम ने कहा, अल्लाह तौफीक दे। तो उसने कहा कि अगर काबिलियत हो तो फिर कहने लगा कि मैं सर के कुर्बान जाऊँ, आप कैसे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे खतूत ने मुझे मेरा वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, मुझे मदीना छोड़ने पर मजबूर किया और तुम्हें मालूम है कि कूफियों ने मुस्लिम के साथ क्या सलूक किया। इब्ने साद ने अर्ज़ किया कि मैं कुर्बान जाऊँ, कूफियों की बात पर एतमाद क्यों किया, आपके बाप और भाई से जो उन्होंने सलूक किया क्या आपको मालूम नहीं था। इमाम ने फरमाया कि तुमने जो कहा ठीक है मगर जो शख्स अल्लाह के राह में धोखा और फरेब करके हम जानते हैं और पूछते हुए रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। इब्ने साद ने कहा कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब कूफियों के नफाक ने आपको मुसीबत में मुब्तला कर दिया है कि आपने भी जानबूझकर मुसीबतों को गले लगाया है, लिहाजा अब अपने इस मुश्किल और परेशानी का हल सोचें। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी परेशानी का हल ये है कि मुझे मक्का मौजमा मदीना मुनव्वरा या किसी सरहदी इलाके में जाने दो, वहाँ के लोगों की तरह एक फ़र्द होकर जीऊँगा और रहूँगा और वहाँ ही ज़िंदगी गुजारूँगा। अमर मुतासिर हुआ यानी अमर साद मुतासिर हुआ और कहने लगा कि मैं आपकी ये ख्वाहिश इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ और अगर वो कबूल करे तो मैं आपको जाने का रास्ता दूंगा और उसकी हुकूमत की भलाई इसी में है। 4 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने एक वफ़द भेजा और उसने ख़त अमर साद को थमाया कि जिस पर लिखा था कि हमें तुम्हारी पल पल खबर रहती है, तुम बस यजीद के हाथ पर हुसैन और इनके असहाब की बैत हो। जो ही रात हुई इमाम हुसैन अपने खेमे से 14वें के चांद की तरह निकले। नबी करीम का इमाम आपके सर पर, नबी करीम का इमामा आपके सर पर था और आपकी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा पहने हुए थे और एक सहाबी से फरमाया कि जाओ और इब्ने साद से कहो कि मैं दोनों लश्करों के सामने तुमसे मिलना चाहता हूँ। अलबत्ता गुफ्तगू खलबत में होगी। इब्ने साद को ये पैगाम पहुँचा तो वो लश्कर से बाहर निकला और इमाम भी रवाना हुए। एक जगह पर बैठे इब्ने साद ने कहा कि आज के खुतूत इब्ने साद के पढ़ने के वो क्या कहता है, और वो ये कहना चाहता है कि हर सूरत में आप यजीद की बैत करें, यानी मैं आपसे यजीद की बैत कराऊं, और अगर आप बैत नहीं करते तो पहले आप पर पानी बंद कर दूं, फिर आपसे जंग करूं। इमाम ने कहा कि हाय अफसोस तुझ पर, क्या तुम मुझको नहीं जानते। अमरे साद ने अर्ज किया कि और कोई चारा नहीं, आप कोई चारा कीजिए कि हम दोनों बच जाएं, आप कत्ल हों और न मैं कत्ल हूँ। इमाम ने फरमाया कि इसका हल ये है कि इन तीन बातों में से एक काम करो, मुझे रास्ता दो ताकि मैं मक्का या मदीना लौट जाऊं, मुझे किसी शहर जाने की इजाज़त दो ताकि मैं आम मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकूं, मुझे इजाज़त दो कि मैं खुद यजीद के पास शाम चला जाऊं। इन तीन कामों में से इमाम अली मकाम ने अपनी शरायत रखी कि इन तीन कामों में से एक काम की इजाज़त मुझे दी जाए। अमर साद ने कहा कि मुझे तो हर बात तस्लीम है, मगर वो काफिर तीन बातों में से एक बात भी तस्लीम नहीं करेगा। अमर साद के दिल में रह की हुकूमत का लालच कूट कूट के भरा था। नाज़रीन मुतरम, ये वाज़ह है, वहाँ कूफा में इब्ने ज़ाद को खबर हुई कि अमर साद इमाम से रात में मुलाकात करता है, तो उसने शिमर ज़िल जोशन को करबला भेज दिया, जो कि नौ मुहर्रम हराम को वारिद हुआ, और आकर कहने लगा कि हमें अमर साद यानी अमीर इब्ने ज़ियाद का हुक्म हुआ है, या तो यजीद की बैत लो या फिर एकदम इमाम अली मकाम और उनके साथों पर हमला कर दो। नौ मुहर्रम को अमर बिन साद ने आप और आपके साहब पर पहले से ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी ताकि उन्हें कहीं से पानी मैसर ना हो सके। बरोस नौ मुहर्रम हराम को जबकि शाम भी अभी पूरी तरह होने ना पाई थी, अमर बिन साद ने इमाम हुसैन पर हमले का हुक्म दे दिया। अमर बिन साद बदबख्त लाइन ने इमाम अली मकाम और उनके असहाब पर नौ मुहर्रम की शाम को हमले का हुक्म दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, दोनों लश्करों के दरमियान एक तीर का फासला था, इसलिए इस रवानगी की धमक हुसैन खेमे तक फौरन पहुंच गई। इमाम अली मकाम उस वक्त असर की नमाज पढ़कर तलवार के सहारे बैठे थे और आपका सर घुटनों पर था। उस वक्त आप पर हुनूद की तारी हो गई। जनाब ज़ैनब के कानों में जब घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी तो आपने खेमे से सबसे आवाज़ दी कि भैया दुश्मन फौज करीब पहुंच चुकी है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि बहना मैंने अभी अभी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो फरमा रहे थे कि ए हुसैन तुम बहुत जल्द हमारे पास आओगे। उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार तशरीफ लाए और फरमाया कि दुश्मन की फौज ने चढ़ाई कर दी है या इमाम अली मकाम। इमाम ने इंतहाई पुरसकून लहजे में फरमाया कि अब्बास सवार होकर जाओ और मालूम करो कि इस वक्त हमले का सबब क्या है। चुनाचे हज़रत अब्बास 20 सवारों के साथ फौज यजीद के सामने पहुंचे और उन्हें इस तरह मुखातिब किया, तुम्हारी राय में तब्दीली क्यों हुई और अब तुम क्या चाहते हो। जनाब अब्बास को आते देखकर लश्कर यजीद रुक गया था, उसमें आगे आगे अमर बिन साद और साद शिमर जोशन था। हज़रत अब्बास के सवाल पर अमर साद की बजाय उसके सवार ने उनके मशवरे से जवाब दिया, अमर बिन ज़ियाद अमीर ज़ियाद का हुक्म है कि तुम लोगों से अमीर की अताद कबूल करने का मुतालिबा किया जाए और इनकार पर जंग शुरू कर दी जाए। अब्बास ने फरमाया कि फिर जल्दी न करो, मैं इमाम के पास जाकर तुम्हारा मुतालिबा पेश करता हूँ, जैसा कुछ इमाम फरमाएंगे तो तुम्हें इससे मतलब करूँगा। अमर बिन साद ने इशारे से इजाज़त दी और अब्बास घोड़े पर भागते हुए फौरन इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हो गए, यानी घोड़े को भगाते हुए। सूरत हाल से आगाह होकर इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो आज के शब इनसे मोहलत हासिल कर लो। अब इस मोहलत के बड़े राज हैं नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह 9 और 10 मुहर्रम के शब को बताया जाएगा कि मोहलत दी गई या ली गई, इंशाल्लाह आपको आगाह किया जाएगा। जनाब अब्बास वापस आए गए और उन्होंने इमाम के इरशाद के मुताबिक एक रात की मोहलत तलब की। दुश्मन फौज की आपस में यानी उन्होंने आपस में बातचीत करने के बाद एक रात की मोहलत तय पा गई। हजरत अब्बास वापस आ गए, जिस शब अमर बिन साद से मोहलत तलब की गई थी उसी शब आशूर का नाम दिया गया, क्योंकि अगले दिन 10 मुहर्रम हराम थी और उसी दिन मैदान करबला में क़यामत बपा होनी थी। नाज़रीन मोहतरम, एक शब की मोहलत का मकसद एक तो अल्लाह की इबादत और इस्तग़फ़ार था और दूसरा मकसद वो अपने सहाबा को
एक और मौका देना चाहते थे कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं, क्योंकि यजीद को बस हुसैन से बैत और उसके सर की जरूरत है। इसे ख्याल के पेश नज़र इमाम ने शबे आशूर अपने रफका को जमा किया और इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, आगा रहो कि दुश्मन कल ज़रूर जंग करेगा। और इमाम ने चिराग गुल कर दी ताकि अगर कोई उठ कर जाना चाहता है तो उसे शर्मिंदगी और खिफत का सामना ना हो। तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोकेगा, जो भी जाना चाहता है वो यहाँ से चला जाए। मगर जब चिराग रोशन किए गए तो एक भी इमाम अली मकाम को छोड़कर ना गया था। तो इमाम अली मकाम ने इस पर फरमाया कि तमाम ही अस्हाबे हुसैन अपना अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद करें और तमाम ही अपना अपना मकाम जन्नत में वाजिया देख लें। इसके बाद इमाम ने हुक्म दिया कि तमाम खेमों को आपस में मजबूती से जोड़ दिया जाए और फिर इसके बाद सब अपने अपने ख्याम में इबादत में मसरूफ हो गए। ये थी नाज़रीन मोहतरम आज का वर्क, आज की नशरियात। मगर आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह कल ये नौ मुहर्रम के शबा मैदान का जो बना, अब जो हुआ इंशाल्लाह कल आप